नमस्कार, मैं हूँ आपका अपना बिहारी भाई। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मरीन गुरु जी सर्विस पर। आज का टॉपिक हमारा रहेगा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS। इस पे क्यों जरूरी है, इसका क्या यूज है और इसका रूटीन टेस्ट क्या है, वो आज हम ये है मेक फोरनो। इसका मॉडल नंबर है FA-150। तो देखिए इसके फंक्शन तो आपको समझ में ही है। ये पावर है, नेविगेशन स्टेटस, मेनू, एंटर, ड्रिम एंड डिस्प्ले। ये हमारा टारगेट लिस्ट है जो कि हमारे वेसल के पास में जितने भी शिप हैं उनका डिटेल है। इसकी रेंज हमने सेलेक्ट कर रखी है 0.125 नॉटिकल माइल्स। तो चलिए आपको हम ट्राई करके, जैसे कि पहले का डिटेल देखना है तो हम देख लेते हैं। इसका नाम है ओशन एमोलाइट, ऊपर उसका MMSI नंबर है, कॉल साइन है अल्फा वेक्टर एज करके। इसके और भी डिटेल नीचे जाके, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, स्पीड ऑफ ग्राउंड, कोर्स ऑफ ग्राउंड, हेडिंग एक्स्ट्रा, देन कम बैक। ये शिप का ऑन डिटेल है, ऑन डिटेल देखना हो तो देन कम बैक। अगर आपको ये यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं, जो मैसेज आता है इंटरनल GPS सेंसर स्टेटस यूजर सेटिंग इनिशियल, हमें आपको टेस्ट करना है आज का, तो यहाँ से जाएंगे। ये मॉनिटर टेस्ट है, ट्रांसपोंडर टेस्ट है, टू टाइप ऑफ टेस्ट इज देयर। सो फर्स्ट वी ट्रांसपोंडर टेस्ट, इसमें है मेमोरी टेस्ट एंड GPS टेस्ट। तो फर्स्ट मेमोरी टेस्ट करते हैं। ऑल ओके, ऑल राइट, देन बैक, कम टू GPS टेस्ट। हाँ ये भी सब ठीक है, एंड कम बैक करेंगे मॉनिटर टेस्ट। ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, ये हमारे शिप का डाटा सेंटर को भेजता है MMSI नंबर यानी आइडेंटिफिकेशन, पोजीशन, कोर्स एंड स्पीड। यानी कि शिप का ओनर जो है डाटा सेंटर से शिप के बारे में पता कर सकता है घर बैठे, हमारा शिप कौन सी जगह पर है, कितनी स्पीड में चल रहा है, कौन से कोर्स पे है, ये सब पता कर सकता है। इसका यह यूज है। चलिए कंप्लीट हुआ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।